आज नायरा है उदास और परेशान। बेहोशी से बाहर आने के बाद नायरा को बीती हुई बातें अच्छी तरह से नहीं रही हैं याद, और उठते ही नायरा की आंखें ढूंढने लगती हैं कार्तिक को। आप सब और मैं यहाँ कैसे आई और कार्तिक कहाँ है? खुद को अपने पापा के घर में देख नायरा करती है अपने पापा से सवाल। एक तरफ नायरा परेशान है तो वहीं नैतिक अपनी प्रिंसेस को समझाने की कोशिश करते हैं। भाई अब ये तो हम सब पहले से ही जानते हैं कि नायरा अपने पापा की सबसे लाडली है, और पापा नैतिक भी नायरा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या हुआ, कोई कोई बताएगा मुझे? तो बेटा हमारी तबीयत ठीक नहीं थी तो हम तो नहीं यहाँ ले आए। आपने कार्तिक को बताया कि नहीं आई? अपनी बेटी के चेहरे से परेशानी दूर करने के लिए वो उसे कार्तिक के घर ले जाने की बात कहते हैं, जिसे सुनकर नायरा हो जाती हैं खुश। चलो प्रिंसेस, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे घर चल रहे, तुम्हें छोड़ भी देंगे और उनसे बात भी कर देंगे। हाँ मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, मैं सुबह परेशान हो रही हूँ, बेचारा कार्तिक वो भी टेंशन में होगा। वेल, एक तरफ नायरा की परेशानी है तो दूसरी तरफ कार्तिक के घर वाले भी हैं दोनों के लिए बेहद परेशान, और ये सब देखकर तो यही लगता है कि कहानी में जल्द ही आने वाला है कोई बड़ा और नया ट्विस्ट। मुंबई से पूजा तिवारी, E24।